छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में फंसती दिख रही कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अखिलेश का साथ भी मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वादे किए हैं वो पूरे करे, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के बीच वादे किए थे, सबसे बड़ा मुद्दा जो था किसानों का सवाल को लेकर के, किसान तकलीफ में परेशानी में है और वहाँ का किसान चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कहा उस बात को यकीन में बदल दिया वोट के माध्यम से लोगों ने, किसानों ने। हमें उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहाँ के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। आने वाले समय में जब देश का चुनाव होगा, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ जो नौकरी और रोजगार को लेकर के धोखा दिया है, इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में उन्हें मिलने जा रहा है। पांच राज्यों के नतीजे आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनादेश का स्वागत किया और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। हालांकि चुनाव में सपा सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही सीट जीत पाई। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और हमें खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी का कम समय देने के बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर संगठन भी तैयार करें, नए साथियों को जोड़ें भी, और जिस विचारधारा में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, काम कर रही है, उस विचारधारा को गांव तक पहुँचाएं। वहीं अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि योगी के सीएम रहने से सपा को फायदा हो रहा है और योगी भगवान की जाति बता रहे हैं। अभी तो कुछ ही भगवानों की जाति बताई है, अगर वो सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा, हम अपनी जाति वाले भगवान से कुछ मांगेंगे। चुनाव में भले ही कांग्रेस ने बाजी मार ली हो, लेकिन विपक्ष अभी भी ईवीएम का मुद्दा छोड़ने के मन में नहीं है। अखिलेश ने एक बार फिर कहा कि ईवीएम पर सवाल हमेशा रहेगा, सबसे अच्छा है कि चुनाव ठप्पा मारने वाला हो। ईवीएम पर सवाल हमेशा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को कितना जनता समझ पा रही है, कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका जैसी जगह पर जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, वहां भी जांचें चल रही हैं, कई चीज़ें खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि जो चुनाव हुआ था किस तरीके से चुनाव को परिणाम को बदला गया। सबसे अच्छा चुनाव तो यही है कि ठप्पा मारने का मौका मिल जाए, कम से कम हमें पता तो वो एक दूसरी लड़ाई है, वो उसके लिए अपनी बात पार्टी रखती रहेगी। 2019 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे पांचों राज्यों में बीजेपी की करारी हार से विपक्ष को अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद दिख रही है। देखना ये होगा कि क्या 2019 से पहले एक मजबूत महागठबंधन बन पाएगा और क्या ये नतीजे 2019 में भी दोहराए जा सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।